आज हम रिव्यू करेंगे बटरफ्लाई की सेकंड न्यू बिल्डिंग का। तो ये है सावधिया बंगल और ये थोड़ा मार्केट का व्यू है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जो पुरानी बिल्डिंग है वहां से 300 मीटर की दूरी पर बटरफ्लाई की सेकंड बिल्डिंग है। तो ये कुछ बाहर की दुकानों का व्यू है मार्केट से। देखिए एपी बंगल से न्यू बटरफ्लाई का एबीसी ने बना दिया है। तो अच्छा, इन दो से मिलवाते हैं हम। ये हमारे बड़े भाई हैं और ये भाभी जी हैं। तो जयपुर दौरे में हमारा भी इनके साथ आना हुआ था, तो हमने भी सोचा चलो जंगल ही शूट कर लेते हैं। उन्होंने अपनी दुकान के लिए कुछ खरीदारी करी थी, ये साइन बेटर साइन जंगल मल्टी स्टोर, और इसके इसके जस्ट बाजू में ही बटरफ्लाई का शोरूम है देश में। चलो अंदर की एंट्री में दिखाते हैं हम आपको। तो भाई कमेंट करो कि हमें बताओ कि आपको वीडियो पसंद भी आ रहे हैं या फिर हमारा मेहनत सफल है कि नहीं है। और ये कुछ अंदर का व्यू है। और जैसा उस वाली बिल्डिंग में राधा कृष्ण की प्रतिमा थी, इसमें देखिए गणेश जी भी हैं, राधा भी है, लक्ष्मी गणेश जी, अच्छा रामचंद्र जी की भी प्रतिमा है, सीता। और इधर राइट साइड भी कुछ इस तरीके का है, यहाँ भी नीचे रूम है, यहाँ पानी वानी दिया है। और ये तो है कि कस्टमर के बड़े आदर सत्कार करते हैं, ये तो बात माननी पड़ेगी। ये खासकर मुझे बटरफ्लाई में ही देखने को मिला था। और ये बता रहे हैं कि आपको यहाँ से लिफ्ट से जाना पड़ेगा तीसरे चौथे वाले दूसरे पे, यानी आपको अगर प्रॉपर, हमने कहा प्रॉपर लाख अगर देखें तो कहाँ, तो हम ये उन्होंने कहा कि आप जाइए थर्ड फ्लोर पर। और वहाँ हम आ चुके हैं अभी थर्ड फ्लोर पर, और थर्ड फ्लोर की ये फर्स्ट शॉप है। तो अंदर एंट्री करते हैं हम, देखते हैं यहाँ इनके पास क्या क्या चीज, कितनी तरह की वैरायटियाँ हैं। तो हाँ शोरूम देखी डेकोरेशन, वही मैं चीज कहता हूँ कि डेकोरेशन अगर रिटेलर फ्रम तक अगर आप कर रहे हैं तो डेकोरेशन भी काफी मायने रखती है। और यहाँ भाई कह रहे हैं कि टू पीस बंगल, कुछ थ्री पीस में दिखाई, तो वो ये देखो एक व्यू इधर दिखाऊंगा आपको, टू पीस सेट सेट भी है, थ्री पीस का सेट जैसे सिक्स पीस बोल सकते हो आप। ये देखो काउंटर पे मेटल के ऊपर, ये मेटल नहीं निकल है, निकल के ऊपर ये लटकन वाले जो पड़े, और ये लाख में आ गए। और ये देखिए टू पीस में ये लाख का सेट, डिजाइन है अलग अलग ऐसे ये रखे हुए हैं, वही चीज देखना। ये होता है कि कितनी बारीकी काम है, किस चीज पे बना हुआ है, और एक ही तरह की यानी ना बना फन कर दिया, बारीक काम कर दिया तो ज्यादा पैसे हो गए, तो उसी को थोड़ा बेवगैरह फन पे दे दिया, या फिर मोटा काम कर दिया तो उसके पैसे कम हो गए। और जैसे ये देख रहे हैं आप, तो ये बाजरा करके इसका नाम होता है, ये सीप के ऊपर है, तीन लाइन लगे हैं, आजू बाजू से स्टोन है, बीच में नक्की सिंगल लेयर लाइन है पूरी पर। यही भाई बता रहे हैं कि भाई ने कहा कि जैसे पैसे कुछ ज्यादा, यानी एक एक पता है इसका एक फोर पीस का ये बता रहे हैं 85 रुपए का है, ये 400 का देखो 420 पड़ता, 300 पीस का ये इधर टू पीस में लाख आ गई।
दिन 540 करोड़। ये जो रेट है लिखी रखी, ये जेन्युइन रेट ये यहाँ की बेचने वाली है 480 है, 440, 540, तो ये सब यहाँ देखो सब 540 वाले रोड लगे पड़े। अब यहाँ हम जाते हैं थर्ड फ्लोर की सेकंड शॉप पर। सेकंड शॉप में हम अंदर एंट्री करते हैं, इनके पास में ज्यादातर वो टू पीस हमने देखे थे। सेकंड शॉप पर हम जो देख रहे हैं इनके पास सेट है। तो मेरे कह रहे हैं लाख, वहां उनके पास सीट भी थी, मैं बता रहे हैं कि प्रॉपर हमारे पास यहाँ तरफ लाख देखने को मिलेगी। तो ये मुझे लगता है कि इन्होंने कुछ बटरफ्लाई वालों ने कुछ इस तरह का सिस्टम कर रखा हो कि बिल्डिंग उनकी हो और अब उन्होंने रेंट पर इन्हें ऐसे जो दुकानदार हैं उनको दे रखी हो। सर डिटेल में ज्यादा ना जानते हुए ऐसा कोई पूछना भी अच्छा ही लगता है। तो चलो देखते हैं, ये दिखा रहे हैं फोर पीस। बटरफ्लाई का जयपुर में ये सिंधी कैंप का मार्केट है, तो यहाँ काफी नाम है जयपुर में। अगर किसी से भी पूछोगे तो वो आसानी से बता देगा।